हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आपकी ये लीगल बॉडी आज के नए टॉपिक के साथ आपके सामने है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखिए, जब भी फाइनेंस का जिक्र आता है तो हम ये सोचते हैं कि घर के फाइनेंस से लेके और देश का फाइनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब पूरे कंट्री का फाइनेंस है, और क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है तो जहाँ स्टेट्स भी हैं, और अगर हम इंडिया को पर्टिकुलरली ध्यान में रख के एक बात कहें तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसकी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये मैटर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फील होता है। और टाइम टू टाइम आप लोग सुनते भी होंगे कि अक्सर स्टेट्स सेंटर को फंड न भेजने की शिकायतें कर रही होती है या उनके ऊपर एलिगेशन इम्पोज कर रही होती है। ठीक है, तो जब हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं तो उससे पहले कुछ कीवर्ड्स हैं जो बार बार इस टॉपिक में इस्तेमाल होंगे या आप सुनोगे, तो वो आपको ध्यान में रखने या वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, राइट। तो दीज कीवर्ड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज अंडर द फाइनेंशियल, और वी कैन से दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज व्हेन वी डिस्कस द आर्टिकल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जब यूनियन और स्टेट में फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन होता है, या फिर कैसे कैसे प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं कि कब यूनियन के पास जाएगा, कब स्टेट के पास जाएगा, तो उस पे जाने से पहले हमारे कीवर्ड्स। तो कीवर्ड कौन कौन से हैं, लेविड, एक तो लेवी वर्ड आएगा, दूसरा क्या आएगा, कलेक्टेड, तीसरा क्या फील होगा, अप्रोप्रिएटेड, एंड फोर्थ वन इज़ असाइंड। तो अब आप ये देखो, इनके चारों के मतलब अलग हैं और ये एग्जैक्टली ऐसे इस्तेमाल होते हैं। तो लेवी का मतलब क्या होता है, लेवी का एक्चुअली लिटरल मीनिंग जो है कि कोई भी टैक्स या फीस का इम्पोज करना, कलेक्टेड आपको पता ही है कोई चीज़ का कलेक्शन करना, और थर्ड जो हम बात कर रहे हैं अबाउट द अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है, इस्तेमाल कर लेना, कलेक्ट करके इस्तेमाल कर लेना, राइट। एंड द फोर्थ वन इज़ असाइंड, असाइंड का मतलब होता है कोई दूसरी अथॉरिटी किसी और को कोई चीज़, यहाँ पे क्योंकि फाइनेंस है तो कोई रेवेन्यू, कोई टैक्स, कोई पैसा है वो दूसरे को दिया जा रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ कि आप ये लो, ये काम कर लो इस पैसे से, राइट। तो जब हम फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो एक तरह से जो गोल्डन प्रिंसिपल है हमारा, अगर हम कोई भी रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो एक गोल्डन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो 7 शेड्यूल में हमारे लिस्ट प्रोवाइडेड है, यूनियन लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, सॉरी स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, उनमें जो सब्जेक्ट मैटर आते हैं अपने अपने डोमेन में रह के उनके बारे में निर्णय लें, उनको लागू करें और उनसे रिलेटेड जो भी वर्क करना है वो करें, एक दूसरे के डोमेन में इनक्रोच ना करें। तो क्या फाइनेंस में भी ये सेम ही बात है, ऑफ कोर्स सेम है, यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करना और उनका इस्तेमाल करना, मतलब किसके खाते में चले जाते हैं, तो वो यूनियन के खाते में चले जाते हैं। और इसका बहुत ही गुड एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स है। तो जितना भी इनकम टैक्स है वो यूनियन के द्वारा कलेक्ट करा जाता है और अप्रोप्रिएट भी उन्हीं के द्वारा करा जाता है, राइट। और फिर जितने भी मैटर सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट में हैं, तो उनके बारे में जितने भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा, स्टेट लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल, इसका मतलब क्या है, जब मैंने पहला एग्जांपल दिया इनकम टैक्स, तो इनकम से होने वाला टैक्स, बट दैट डज नॉट इंक्लूड द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड, बिकॉज वो तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट ही उस पे टैक्स इम्पोज करेगी, राइट। जैसे वैट है वो स्टेट लिस्ट में आ जाता है, तो इस तरह के जो, लेकिन फिर कॉन्करेंट लिस्ट का क्या होगा, क्योंकि इस तरह से तो मैं बता रही हूँ कि यूनियन लिस्ट को यूनियन डील करेगी, सेंटर जो लिस्ट, स्टेट जो लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट मैटर उनको स्टेट डील करेगा, तो फिर कॉन्करेंट लिस्ट को क्या दोनों मिलके करेंगे, तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं आते हैं, वो कोई टैक्स उनका कलेक्शन या लेवी नहीं हो पाता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हम तीन और प्रोविज़न करेंगे, लाइक यूनियन का है तो यूनियन ले ही लेगी, स्टेट के पास अगर कोई पावर है
सब्जेक्ट मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट में, तो स्टेट उसको डील करेगी, स्टेट के पास चला जाएगा। लेकिन कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, फर्स्ट वन क्या है, आर्टिकल 268, 269 एंड 270 इनको डील करता है। तो फर्स्ट क्या है कि कोई ऐसा टैक्स हो जिसको लेवी तो सेंटर करे, यानी इम्पोज उसको कौन कर रहा है, यूनियन कर रही है, लेकिन उसका कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन यानी इस्तेमाल, कलेक्ट भी और इस्तेमाल भी कौन कर रहा है, स्टेट कर रही है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, जहाँ पे टैक्स का लेवी इम्पोजिशन बाय द यूनियन होता है, लेकिन उसका कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये यूनियन इसको इम्पोज करती है, बट लेवी सॉरी कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट रहता है। सेकेंड जो हमारा इसमें हम एक कैटेगरी करते हैं, उसमें क्या रहता है, लेवी एंड कलेक्टेड दोनों ही सेंटर के द्वारा होता है, यानी यूनियन ही उसको लेवी करेगी, यूनियन ही उसको कलेक्ट करेगी, बट दैट इज़ असाइंड टू द स्टेट। असाइन का मतलब क्या है कि वो अमाउंट और वो भी कितना, दैट विल डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या अमाउंट किस पर्पज़ के लिए असाइन करना है टू द स्टेट, तो वो उसको असाइन कर देगी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें सेंटर कहती है पैसा लगाओ इसमें, राइट। उसके अलावा एक थर्ड सिचुएशन है, उसमें क्या होता है कि लेवी भी यूनियन करती है, कलेक्शन भी यूनियन के द्वारा होता है, लेकिन देयर इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी वो जो टैक्स होगा वो लेवी एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन होगा, लेकिन जब आ जाएगा आपके पास सारा रेवेन्यू तो वो डिस्ट्रीब्यूट होएगा बिटवीन द यूनियन एंड द सेंटर, और कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रोविजंस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक ग्रांट इन एड भी रहता है, क्योंकि देखिए एक बात और है, देखने में सुनने में अब देखो हमको कैसा लग रहा है कि स्टेट को तो बहुत कुछ मिल गया, स्टेट सब्जेक्ट में भी जितने मैटर्स हैं उन पे अगर कोई टैक्स या ड्यूटी या जो भी फीस इम्पोज करते हैं वो सारा स्टेट के पास चला जाता है। फर्स्ट प्रोविज़न में भी हमने पढ़ा कि सेंटर लेवी करता है लेकिन कलेक्टेड और अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट हो जाता है। सेकेंड में भी हमने पढ़ा कि उसका लेवी एंड कलेक्शन यूनियन करती है लेकिन असाइनमेंट हो जाता है स्टेट को। एंड थर्ड में हमने क्या पढ़ा कि लेवी और कलेक्शन बाय यूनियन होता है, बट द रेवेन्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सुनने में कैसा लग रहा है, स्टेट तो फ्लरिश कर रही है, स्टेट के पास तो बहुत जगह से पैसा आ रहा है। फिर स्टेट्स अक्सर ही इन डिमांड क्यों रहती हैं, अक्सर ही स्टेट्स को ऐसा क्यों लगता है कि सेंटर हमको पैसा दे, जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है तो क्यों सेंटर ने ये बीड़ा उठा लिया यूनियन ने कि वो सभी स्टेट्स को जो भी स्पेशल, क्योंकि अब खर्चे हो रहे हैं ना, तो जो भी डील करना है वो सारा जो पैकेज है ना वो यूनियन प्रोवाइड करेगी स्टेट्स को, सभी स्टेट्स को। तो यूनियन के पास इतना सारा फंड कैसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फाइनेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, मजॉरिटी पोर्शन कहाँ चला जाता है, यूनियन के पास चला जाता है। इसीलिए ग्रांटी नेड करके भी एक प्रोविज़न है, ग्रांटी नेड में यूनियन टाइम टू टाइम स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी फ़ंड रिलीज करती है किस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। कोई इस तरह का डिज़ास्टर हो गया जहाँ पे एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ जो मनी है वो देना पड़ता है, हेल्प के लिए देना पड़ता है स्टेट को, तो वो भी सारा जो है वो यूनियन बियर करती है, यूनियन दे देती है। इसके अलावा फाइनेंस जो कमीशन है उसका जो गठन है वो इसी पर्पस के लिए किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहता है कि देयर मस्ट बी ए फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन बिसाइड ऑल अदर फंक्शंस जो मेन कोर फंक्शन करता है वो क्या करता है, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये डिटरमाइन करने का काम भी फाइनेंस कमीशन करता है। तो अगर कोई इस तरह का चल भी रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो क्या होगा, फाइनेंस कमीशन उन मैटर्स को डील करता है कि कितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट है और कितना यूनियन को चाहिए, या यूनियन को कितना रिलीज़ करना चाहिए, कितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू द स्टेट्स। तो फाइनेंस कमीशन के भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमने करा है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग द फाइनेंस, फाइनेंशियल कैसे रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ, बाय डियर स्टूडेंट।